सत श्री अकाल जी सारियां नूं। सो अज दे वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सदी आं कि तुसीं भी ऑनलाइन पैसे कमा सकदे हो, जे पैसे कमा सकदे हो ओह भी बुक पढ़ के ओहदा रिव्यू करके किवें कमा सकदे हो। ते इक मैं बुक दा रिव्यू भी करना आ कि मैं बुक दे विच हुण तक की सिख्या आ। बुक दा नाम हैगा दा प्राइमर गोल सैटिंग मैथड। बहुत ज्यादा वधिया बुक मैनूं लगी आ। वैसे मैं काफी बुक्स पढ़िया ने हुण तक, पर मैं कह सकदी आं कि जिहड़ी इह वाली बुक मैं इहनूं जल्दी फिनिश कीता आ, तां मैं सोचिया कि चलो इहदे उपर थोड़ा रिव्यू भी करदी आं ते तुहानूं दसदी आं कि तुसीं बुक्स पढ़ के भी, किताबां पढ़ के भी कोई अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकदे हो, वीडियोस अपलोड कर सकदे हो। ते कर सकदे हो तां तुसीं उस बुक दे विच जो भी पढ़िया आ उस दे बारे उस वीडियो दे विच दसणा आ कि तुसीं उस बुक दे विच की पढ़िया आ। तुसीं भी इदां बहुत कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, पर जे तुहाडा इंटरस्ट हैगा या तुहाडा इंटरस्ट बुक्स पढ़न दे विच आ, तुसी कोई ब्लॉगिंग पढ़ते हो, तुसी कितों सीख रहे हो, तो तुसी भी अपनी नॉलेज होरां नूं दे सकते हो, क्योंकि एदां दे बहुत ज्यादा चैनल ने जिहड़े मैं देखदी आ। पंजाबी दे विच आई थिंक है नहीं है, पर इंग्लिश दे विच ते हिंदी दे विच एदां दे बहुत सारे चैनल ने जिन्हां नूं मैं बहुत सालां तों फॉलो करदी आ, जिन्हां चैनल्स दे विच जिन्हां वीडियोज़ दे विच इह दस्सिया हुंदा कि इस बुक दे विच की लिखिया होया, इस बुक दे विच राइटर की सानूं सिखाउणा चाह रहा है, की सानूं कह रहा है। सो तुसी भी कोई भी बुक लै सकदे हो, तुसी उह बुक नूं पूरी डिटेल दे विच पढ़ के उहदे कुछ को पॉइंट्स नूं हाईलाइट करके कि तुसी उस बुक दे विचों की सिख्या आ, तुसी भी ऑनलाइन अपनियां वीडियोस बना सकदे हो ते YouTube दे उपर वीडियोस पा के तुसी भी पैसे कमा सकदे हो, क्योंकि एक ईजी तरीका आ। सो जे मैं गल करा इस बुक दे बारे, इस बुक दे विच बहुत वधिया गल दसी हुई आ कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फेलियर कोई ऑप्शन नहीं हैगा। जे असीं लाइफ दे विच फेल हुंने आ तां जां इक साडे कोल सक्सेस आ जां फिर इक फेलियर आ, सानूं दोनों दे विचों इक नूं चूज करना पऊगा, बिल्कुल भी नहीं। जिहड़ी फेलियर आ, जदों सानूं फेलियर मिलदा आ किते ना किते साडे अंदर कमी हुंदी आ, साडी मेहनत दे विच कमी हुंदी आ जदों सानूं कोई फेलियर मिलदा आ। कई वार आपां कह दिंदे कि साडी किस्मत दे विच हमेशा फेलियर ही लिखे हुए ने। हो सकदा आ लिखिया भी होणे, पर किते ना किते इह भी लिखिया हुंदा कि जे तों ज्यादा मेहनत करेगा तां तूं सक्सेस दे रस्ते ते जरूर जाएगा। पर तुसीं फेलियर नूं किन्ना क एक्सेप्ट करदे हो, तुसीं सक्सेस नूं किन्ना क एक्सेप्ट करदे हो, इह तुहाडे अपने उपर डिपेंड हुंदा। ज्यादातर सानूं फेलियर पसंद नहीं, असीं चाहुंदे ही नहीं अपनी लाइफ दे विच फेल होना। जे तुसीं फेल नहीं होवोंगे तां तुसीं अपनी लाइफ दे विच कुछ सिखोगे भी नहीं। सक्सेस असीं सारे ही चाहुंदे आ कि सानूं सक्सेस मिले, पर फेल भी होना सिखो कि तुसीं अपनी लाइफ दे विच जे फेल होवोंगे तां ही तुसीं अगले स्टेप दे उपर जाओगे। सो अगला स्टेप सीगा कि मल्टी टास्किंग सानूं करने चाहिए आ जां नहीं करने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जे करने भी आ सिर्फ दो तुहाडे कोल काम होने चाहिए ने एक टाइम ते, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अपना जो एक्सपीरियंस दसा, मेरी थोड़ी आदत होंदी सी कि मैं एक टाइम दो काम करदी होंदी सी, फिर मेरा काम ना एक पूरा हुंदा सी ना ही फिर दूजा हुंदा सी। मैं हमेशा कंफ्यूज रहिंदी हुंदी सी कि मेरा काम कोई पूरा क्यों नहीं हुंदा। फिर मैनूं पता लग्या कि मल्टी टास्किंग तां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साडी आदत हुंदी आ कि असीं एक टाइम दो दो काम करदे आं, पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो काम एक तुसीं स्टार्ट कीता आ उहनूं पहलां खत्म करो, फिर ही तुसीं अगले ते जाओ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਥਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਟਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਗੋਲਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ?
हमेशा जदों भी तुसीं गोल सैट करदे हो पूरी पूरी कॉन्फिडेंटली तरीके दे नाल सैट करो, उसनूं देखो कि तुसीं उस गोल नूं सैट कर सकदे हो, तुसीं उस गोल तक जरूर जा सकदे हो, उस गोल नूं तुसीं जरूर कंप्लीट कर सकदे हो। सो इस बुक दे विच बहुत ज्यादा वधिया सानूं दिखाया होया कि तुसीं गोल्स नूं कितना सैट कर सकदे हो। जे किसी ने वेट घटाना होवे ओह इदां नहीं कह सकदा कि मैं हाँ 5 किलो वेट एक वीक दे विच घटा लूंगा, नहीं, उहनूं एक तां अपनी डाइट नूं फॉलो करना पऊगा, उपर दी उहनूं एक्सरसाइजेस फॉलो करनियां पैणगियां, ऐदा दे बहुत ज्यादा जेहड़े स्टेप ने उहनूं फॉलो करने पैणगे, फिर ही उहदा 5 किलो वजन घट सकदा है। पर जे असीं चाहवांगे कि हाँ असीं एक गोल नूं कंप्लीट करन दे लई सिर्फ असीं एक दो वीकां दे विच कंप्लीट कर लांगे, पर ऐदा कदे भी नहीं हुंदा। हमेशा गोल नूं बनाया सैट कीता ओहदे तक पहुंचण दे लई टाइम तां लगदा ही लगदा। सो पेशेंस हमेशा रखनी चाहीदी आ जदों तुसीं किसे भी गोल नूं सैट करदे हो। मैं इस वीडियो दे विच थोड़ा जिहा ही रिव्यू कीता आ जिन्ने कि मैनूं हाईलाइट पॉइंट लगे ने, जिन्ने मैनूं वधिया लगे ने। बाकी बुक दे विच बहुत वधिया दस्सिया होया कि तुसीं कोई भी गोल कितना सैट कर सकदे हो अपनी लाइफ दे विच। सो मैनूं इस बुक तों बहुत वधिया सीखण नूं मिलिया आ। बाकी जे तुसीं भी बुक्स पढ़दे हो तुसीं भी इदां दीआं वीडियोस बना सकदे हो बुक्स दे उपर कि तुसीं उस बुक दे विच की सीखिया आ, हुण तक उस बुक दे विच की पढ़िया आ। सो हो सकिया तां इदां दीआं वीडियोस बनाउणियां तुसीं शुरू करो जे तुसीं भी बुक्स पढ़दे हो, क्योंकि अपनी नॉलेज नूं सिर्फ अपने तक ना रखो होरां तक भी पहुंचाओ। सानूं अजकल नॉलेज दी बहुत ज्यादा लोड़ आ, असीं ज्यादातर इधर उधर दीआं गल्लां विच फसे हुए हां, इधर उधर दे कम्मां विच फसे हुए हां कि सानूं कि साडे कोल टाइम नहीं लगदा हैगा। कई बार तां किसी कोल बुक पढ़न दा टाइम नहीं हुंदा, पर जे तुसीं बुक पढ़िया तां तुसीं अपनी नॉलेज शेयर कर सकदे हो कि तुसीं उस बुक दे विच की पढ़िया आ, क्योंकि किसी होर दा टाइम भी सेव हो चुका, तुहाडा टाइम तां ऑलरेडी लग ही चुक्या बुक दे लई, पर किसी होर दा जे तुसीं भी टाइम बचाउणा चाहुंदे हो तां तुसीं भी अपनियां वीडियोस क्रिएट करके बुक्स पढ़ के तुसीं भी वीडियोस बना के पोस्ट करके ऑनलाइन पैसे भी कमा सकदे हो, तुसीं अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकदे हो। सो जे वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर जरूर करो ते कमेंट करके जरूर दस्सो वीडियो किदां दी लगी। मेरे चैनल नूं सब्सक्राइब भी जरूर कर दिओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।